ज्वेलरी सभी मिक्स में है, तो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा। एंड जिन्हें पता नहीं है मीशो क्या है या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मीशो दोनों तरीके से यूज आता है। एंड मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं, सभी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% या 40% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइस, मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है। साइड में क्लिप ऐड करने का ट्राई करूंगी, और ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है। इसकी ऑलरेडी वीडियो में चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा कुर्ता सेट है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इयर रिंग्स मैंने परचेज किए हैं आभूषण स्टोर से, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैंने अब की बार यहाँ से पिक किया है मीशो से, लुक एट दिस ड्रेस, बहुत ब्यूटीफुल सी क्रॉप टॉप प्लस स्कर्ट का सेट है, बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक डिजाइनर है, और प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्रॉप टॉप बताती हूँ। लुक एट दिस प्राइस, इस तरीके का आपको इसमें क्रॉप टॉप मिल जाएगा। लुक, इसका जो फैब्रिक है बिल्कुल प्रीमियम फैब्रिक है, बिल्कुल भी मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कौन सा फैब्रिक है, बाकी बिल्कुल जो प्रीमियम क्वालिटी के फैब्रिक आते हैं वो फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। आपको सिक्वेंस मिल जाएंगे, आधे में आधा आपको पूरा प्लेन मिलेगा, स्लीवलेस मिलेगा। साइड में क्लिप ऐड कर दूंगी, ये आपके नेक पे आएगा तो बहुत ही सुंदर सा, मतलब साइड में क्लिप या इमेज लगा दूंगी कि एग्जैक्ट ये ड्रेस है कैसी। बैक की साइड आपको इसमें हुक देखने को मिल जाएगा, क्लोजर है। एंड इसका जो कलर है टील ग्रीन कलर है, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और इसमें आपको कलर ऑप्शन में भी 2 या 3 अवेलेबल है मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना। बाकी अगर आप ये वाला कलर परचेज करोगे तो आप बहुत अच्छा भी लगेगा, दूसरा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये वाला कलर परचेज किया। बहुत ही सुंदर सी क्रॉप टॉप है ये। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम साइज परचेज किया है। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना। एंड ये इसमें स्कर्ट मिली है, जो इसका मेन स्ट्रेस का है ना कि वो इसकी स्कर्ट है, लाइक आपको बॉडी कॉन स्कर्ट मिल जाएगी बिल्कुल फिटिंग में। एंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का इसमें कर्व दिया हुआ है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वेस्ट आप देख सकते हो बहुत अच्छी है, साइड में यहाँ पे इन्होंने क्लोजर दिए हुए हैं 3, एंड यहाँ पे आपको जिप देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल रहेगा, और लुकिंग वाइज सुपर्ब एक डिज़ाइनर ड्रेस है। और यहाँ नीचे आपको कट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से चल सकते हो, पहन बैठने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो मैंने ये वाला कलर इसमें परचेज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना, कलर आपको जो पसंद आ रहा हो आप परचेज कर सकते हो। तो फर्स्ट ड्रेस जो आपकी बार मैंने मीशो से पिक की है वो है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर ड्रेस है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने मीशो से पिक किया है गाइस, वो है एक साड़ी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि बंदनी प्रिंट में साड़ी शेयर करो, तो मैंने ये वाली साड़ी मीशो से अब की बार पिक की है बंदनी प्रिंट में। एंड इन अफोर्डेबल प्राइस काफ़ी अच्छी साड़ी है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो एक बार खोल के बताती हूँ आपको ये वाली साड़ी का लुक। कलर ऑप्शन आपको सारे मिल जाएंगे, अगर हुए तो मैं ट्राई करूँगी। साइड में आपको यहाँ पे इमेज लगाने का कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं। बाकी ये इस तरह की मैंने ये ग्रीन कलर इसमें परचेज किया है, और बहुत ही सुंदर सी बंदनी प्रिंट में साड़ी। इस तरीके की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, बहुत एलिगेंट भी लगती है। तो ये वाली साड़ी मैंने यहाँ से पिक की है, लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। इसमें आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, पूरा गोटे का बॉर्डर है, एंड पूरे पे आपको इस तरीके के बूटे बनाए हुए हैं। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फुल जॉर्जेट फैब्रिक में आपको ये साड़ी मिलेगी। सभी जो आउटफिट शेयर कर रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी मिलेगी, ये पूरी लाइट वेट है,
कलर भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली परचेज कर सकती हूँ। नीचे आपको फुल साड़ी में बॉर्डर देखने को मिलेगा, पूरी 5.5 मीटर की इन्होंने साड़ी दी है। और इसमें जो ब्लाउज है ये वाला दिया है, तो इस ब्लाउज को आप स्टिच मत करवाना अगर ये साड़ी लेती हो तो। कोई अच्छे से डिज़ाइनर ब्लाउज रेड ब्लाउज के साथ आप इसे पेयर अप करना, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाला ब्लाउज आप मत स्टिच करवाना, ये आपको इसमें अटैच मिल जाएगा। साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो ये थी जो नेक्स्ट साड़ी मैंने मीशो से पिक की है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने मीशो से पिक किया है वो है ये वाला कुर्ता सेट। पीच कलर का आपको ये वाला कुर्ता सेट देखने को मिलेगा और बहुत बहुत सुंदर एंड एलिगेंट लग रहा था मुझे, तो मैंने ये वाला परचेज किया है एंड फ्रॉम दी ब्रांड प्राख्या। अच्छा है प्राख्या की, शायद मैंने एक दो कुर्तियाँ पहले ट्राई की हुई है ये भी, पर इनकी क्या क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती है और रेटिंग भी मीशो पर बहुत ही अच्छी थी इस कुर्ता सेट की, और कलर मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैंने ये वाला बाय कर लिया। सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता बताती हूँ। पूरी आपको पीस शेड में, लुक एट दिस कलर, काफ़ी अच्छा है। पीस शेड में आपको ये वाली कुर्ती देखने को मिल जाएगी। साइज मैंने एम परचेज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज करना। पूरे पे आपको इस तरीके का गोल्डन वाला प्रिंट देखने को मिल जाएगा, गोल्डन प्रिंट है प्लस वाइट प्रिंट इस पे किया हुआ है। नेकलाइन आपको इस तरीके की दी हुई है, यहाँ पे आपको दो डोरियाँ देखने को मिल जाएगी। 3/4 इसमें स्लीव्स है, स्लीव्स पे आके आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक है प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है, तो अगर आप चाहो तो अपने साइज से एक बड़ा साइज परचेज करना कि वॉश करने के बाद थोड़ा श्रिंक हो तो। बाकी मेरे एम काफ़ी लूज रहता है, स्मॉल साइज ही मेरे परफेक्ट आता है, तो मैंने इसमें एम साइज परचेज किया है। एंड इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती मिलेगी, ये इन्होंने डोरी में आगे इस तरीके की दिया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लुक एट दिस, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी एलिगेंट सा इन्होंने टाइप करने के लिए दिया हुआ है, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की इसमें कुर्ती दी है एंड इसके साथ इन्होंने ये वाली जो है पैंट मिल जाएगी आपको, प्लाजो टाइप ही है, मतलब ज़्यादा हाँ ब्रॉड ही है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, फ्लेयर वाला नहीं है, एग्जैक्ट जैसा पिक में दे रखा था वैसा कि वैसा प्लाजो है। पूरा प्रिंटेड प्लाजो मिलेगा, इलास्टिक वाला, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद। पूरे पे आपको सेम प्रिंट एज इट इज़ वो ही देखने को मिलेगा। कलर बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा मुझे, प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और गोल्डन प्रिंट वॉश करने के बाद यार नहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली आप आराम से वॉश करिए, पहनिए, इजी हैंड से वॉश करो, बिल्कुल नहीं जाते। तो ये वाला कुर्ता सेट है जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है। और हाँ, इसके साथ दुपट्टा भी तो मिला है। दुपट्टा आपको इस तरीके का इसमें देखने को मिल जाएगा, कॉटन का दुपट्टा है, पूरा प्रिंटेड दुपट्टा आपको देखने को मिलेगा। पूरे पे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा एंड ये इन्होंने इसमें लेस लगाई हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो इस तरीके का आपको ये प्रिंट दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट कुर्ता सेट है। पहनने के बाद लुक काफ़ी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट आएगा। कोई भी फंक्शन के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इस तरीके की कुर्ता सेट काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं एंड पूरा आपको 2.5 मीटर का पूरा दुपट्टा मिलेगा। प्रॉपर इन्होंने इसकी लेंथ दी है, प्रॉपर आपको इसमें चौड़ाई देखने को मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, तो डेफिनेटली परचेज कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने पिक किया है आउटफिट, लुक एट दिस कलर, कितनी ब्यूटीफुल सी साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी लगेगी आपको पहनने के बाद। इसमें मैंने पीच कलर बाय किया है, कलर ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट करना। साइड में पिक्चर लगा दूँगी, अवेलेबल है वैसे तो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है फॉर एनी फंक्शन। सबसे अच्छी बात है इतनी ज़्यादा हैवी होने के बाद भी आपको लगेगा आपने पहन नहीं रखी है साड़ी, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट है और पूरे दिन भर साड़ी को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल सी साड़ी है। तो ये वाली साड़ी है जो मैंने बाय की है, लुक एट दिस। ये पूरी साड़ी आपको सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगी एंड यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। ये आपको पूरा गोटे पत्ती का काम देखने को मिलेगा, टैसल देखने को मिल जाएंगे, ये इन्होंने थ्रेड का भी बीच बीच में काम किया हुआ है, ये इसके लिए इन्होंने आंचल दिया है। बाकी पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके के बूटे देखने को मिलेंगे, लुक एट दिस, काफ़ी ब्यूटिफुल है। इस तरीके का नीचे बॉर्डर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ब्रॉड है, क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, हाईली रिकमेंड करती हूँ, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस साड़ी के अंदर। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। कलर आप देखो पहले, जो रेड एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा यूनिक भी है। एंड इसके साथ पूरी साड़ी आपको पूरी ऐसी कैसी मिल जाएगी एंड इसके साथ जो इन्होंने ब्लाउज दिया है वो आपको रेड कलर का प्रॉपर ब्लाउज देखने को मिलेगा एंड इसके नीचे आपको स्लीव्स के लिए ये वाला बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। और सिल्क का ब्लाउज है, 80 या 90 सेंटीमीटर का इन्होंने फैब्रिक दिया है, काफ़ी ब्राइट कलर है, लुक काफ़ी अच्छा आएगा पहनने के बाद। और गोल्डन ब्लाउज के साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो,
पीच कलर के कोई डिजाइनर ब्लाउज के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो, रेड कलर के और ब्लाउज के साथ, तो डेफिनेटली इन अफोर्डेबल प्राइस परचेज कर सकते हो। काफी ब्यूटीफुल है, 90 सेंटीमीटर का आपको साड़ी सॉरी ब्लाउज मिलेगा, 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी मिलेगी। तो नेक्स्ट जो साड़ी है मैंने ये वाली पिक की है। अब जो लास्ट आइटम मैंने यहाँ से परचेज किया है वो है ये वाले बैंगल्स। तो गाइस मैंने थ्रेड वाले बैंगल्स काफी सारे मीशो से परचेज किए, बिकॉज क्या है ना क्वालिटी बहुत अच्छी है मीशो पे, इन अफोर्डेबल प्राइस में भी है, तो इस तरीके की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। और मेरी मॉम को प्रॉपर चाहिए था कि येलो और रेड कलर में ही बैंगल्स हो, सेट देखने को मिल जाएगा। ये पूरे यहाँ पे स्टोन लगवाए हुए हैं, पास से दिखाती हूँ, ये पूरे थ्रेड के हैं एंड यहाँ पे भी आपको स्टोन देखने को मिल जाएंगे पूरे इस तरीके के। साइज की मैं बात करती हूँ, 2-6 है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना। मीशो पे सारे साइज अवेलेबल हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं, एलिगेंट से हैं, इन अफोर्डेबल प्राइस में है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, डेली यूज में तो आप पहनोगे नहीं, वैसे कभी कभी पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो नेक्स्ट मैंने जो पीस बाय किया है वो है ये। तो गाइस आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कलेक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कुछ भी मीशो से देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो। अगर मुझे आउटफिट आप पसंद आए, आपकी चॉइस अच्छी लगी तो मैं जरूर से आपके साथ शेयर करूंगी, एंड इनमें से कौन सा आउटफिट पसंद आया वो डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।